हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। आज हम करेंगे 7th क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा का 5th चैप्टर पंडिता रमाबाई। तो इस पाठ में जो पंडिता रमाबाई थी उनके बारे में बताया गया है। उनको अपने देश के अलावा बहुत सी और भी भाषाएं आती थी, विदेशों की भाषाएं भी आती थी, और उन्होंने समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन कार्य भी किया था। उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएँ थी स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1858 तमें ख्रीष्टाब्दे जन्म अलवत। तो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चा लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता लक्ष्मीबाई आस्ताम माने थी। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत। उनके समय में या उस समय में स्त्री शिक्षा की दशा चिंतनीय थी। तस्मिन काले उस समय में स्त्री शिक्षा या स्थिति स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलितम न आसीत प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्याप्यत। परंतु डोंगरे ने रूढ़ियों में जकड़ी धारणा का परित्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्याप्यत संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं सा समाजस्य प्रताड़नाम अपि असह्यत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमे रमाया पिता विपन्ना संजाता। समय बीतने के साथ कालक्रम में मतलब जैसे जैसे समय बीता तो समय बीतने के साथ रमा के पिता क्या हो गए, विपन्ना संजाता, विपन्न हो गए, निर्धन हो गए। तो समय बीतने के साथ रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्या पित्रौ ज्येष्ठा भगनीचा दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तो उनके पित्रों माने माता पिता, उनके माता पिता और ज्येष्ठ भगनी बड़ी बहन और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर क्या हुआ, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हुए। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया और समय बीतने के साथ रमा के पिता निर्धन हो गए, उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। इसके पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही समग्रम भारतम संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। इसके पश्चात रमा ने ज्येष्ठ भ्राता मतलब बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का मतलब पूरे भारत का पैदल ही भ्रमण किया। पैदल भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त। भ्रमण क्रम में वह कोलकाता पहुंची। तो रमाबाई थी वो कोलकाता पहुंची। तो अपने जब घूमने निकली वो तो वो कोलकाता पहुंची मतलब। तो भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त। भ्रमण क्रम में वह कोलकाता पहुंची। तो संस्कृत वैद्यश्रेय सा तत्र पंडिता सरस्वती चा इति उपाध्याम विभूषिता। तो वहाँ पर क्या हुआ, संस्कृत में विद्वता के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती उपाधियों से विभूषित हुई। उनको ये उपाधियाँ मिली पंडिता की और सरस्वती की, क्योंकि बहुत विदुषी थी, उनको संस्कृत का बहुत ज्ञान था। तो क्या कहा गया यहाँ पर कि संस्कृत में विद्वता के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव स ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत। वहाँ ही तत्र एव वहाँ ही सा उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाई आंदोलनम प्रारब्धवती। तो तत्पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलनम आंदोलन प्रारब्धवती माने प्रारंभ किया। तो वहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया और तत्पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन किया। उन्होंने आंदोलन किया कि स्त्रियों को भी वेद और शिक्षा पढ़ने की छूट मिलनी चाहिए।
क्योंकि उस टाइम ऐसा नहीं था कि जो स्त्रियां थी वो संस्कृत या वेद वगैरह पढ़ सकती थी, तो उन्होंने इसके लिए आंदोलन किया। तो वहाँ उन्होंने इस ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। तत्पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन किया। 1880 तमें ख्रीष्टाब्दे सह विपिन बिहारी दासेन सह बाकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बाकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धेक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगता। 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति की मृत्यु हो गई, उनके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो 1.5 वर्ष के पश्चात ही क्या हुआ, उनकी जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई। तो सार्धेक वर्षात 1.5 वर्ष के पश्चात, अनंतरम माने बाद में, तो 1.5 वर्ष के पश्चात तस्या पति उनके पति की दिवंगता माने मृत्यु हो गई या मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम सह पुत्रिया मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। प्रत्यागच्छत, प्रत्यागच्छत मतलब वापस लौट आई, लौट आई। तो इसके पश्चात पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारियोराम सम्मानाय शिष्याई सच्चा सा स्वीकम जीवनम अर्पितवती। स्त्रियों के सम्मान व शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पितवती माने अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में स्वमतम अपना मत प्रस्तुतवती प्रस्तुत किया। तो हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सह उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय कई उत्तम विचारई प्रभाविता जाता। वह स्त्री शिक्षा के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से प्रभाविता जाता, प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। तत्र सह भारतस्य विधवा स्त्रियोणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम सहायता के लिए अर्थ संचयम धन एकत्रित किया। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया, अर्थ माने धन। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। भारत को लौटकर मुंबई नगरे, मुंबई नगर में, मुंबई शहर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे निस्सहाया स्त्रियाँ निपसंती। इस आश्रम में लाचार स्त्रियाँ रहती थीं। तत्र स्त्रियाँ मुद्रा टंकर काष्ठ कला दीनाश्च प्रशिक्षण लवंते। इस्म वहाँ स्त्रियाँ छपाई टाइप तथा लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। लवंते माने प्राप्त करना, इस माने थी। वहाँ स्त्रियाँ छपाई टाइप तथा लकड़ी की कलाकारी का प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। तो ये नगर जो ये सदन था वो पूना नगरी में आ गया। अब पहले बम्बई में था, फिर पूना नगरी में आ गया शारदा सदन। तो परम इदम सदनम पुणे नगरम स्थानांतरम जातम। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापयत। तब पुणे नगर के पास केड़गांव स्थान पर उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्थान स्थापित किया गया। तथा तब पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगर के समीप में केड़गांव स्थाने, केड़गांव स्थान में मुक्ति मिशन नामक संस्थान तया माने उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रिया ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। तथा यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियाँ सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। याप्यंती माने व्यतीत करती हैं। अत्र माने यहाँ, अधुना माने अभी, अब अपि माने भी। अत्र अधुना अपि यहाँ आज भी, अब भी निराश्रिता, निराश्रित जिनका कोई आश्रय नहीं है, कोई है नहीं जिनका। तो अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियाँ स सम्मानम जीवनम याप्यति। यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियाँ सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं।
1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सह देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुण आसीत। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम् वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन ऐसी उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं है। रचना द्वयम् द्वयम् माने दो, रचना माने रचना। तो स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेल ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया बच्चों। तो यहाँ पर यही बताया गया है जो पंडिता रमाबाई थी उन्होंने देश की जो स्त्रियां थी उनके लिए बहुत कुछ किया। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।